मेरे दिमाग से जितनी बार मैं उनसे मिला हूँ उसका 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 जो सेंटिमेंट है ना वो मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा। न्यूज एंकर दीपक चौरसिया का वीडियो वायरल। शहीद बिपिन रावत को नशे में दे रहे थे श्रद्धांजलि तो भड़के दिग्गज पत्रकार, दिया बड़ा बयान। न्यूज नेशन चैनल के एंकर दीपक चौरसिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो उनके चैनल का ही है जिसमें वो एंकरिंग कर रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि दीपक चौरसिया शहीद CDS बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। देश के लिए जिन्होंने सब कुछ किया हो, देश के लिए जिन्होंने अपनी जिंदगी गंवाई हो। इस दौरान उनके शब्द ठीक से नहीं निकल रहे हैं, कई जगह वो दिवंगत जनरल का नाम भी गलत ले रहे हैं तो कई जनरल को जर्नलिस्ट कह दे रहे हैं। दर्शकों को यही कहना चाहता हूँ कि हमने एक ऐसा जर्नलिस्ट खो दिया है। ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो पर लोगों की खूब प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सोशल मीडिया में इस वीडियो क्लिप को शेयर करते हुए पत्रकार रणविजय सिंह ने लिखा कि इनको क्या हो गया है, कोई जानकार बताए। पत्रकार अभिसार शर्मा लिखते हैं कि चौरसिया, क्योंकि पत्रकारिता का दीपक तो बहुत पहले बुझ गया है। वीडियो क्लिप को शेयर करते हुए पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा लिखती है कि बताइए, इस तरह के लोग हमारे पेशे के सीनियर हैं। मुझे गर्व है कि मैं ऐसे चैनलों में नौकरी नहीं करती। नशा चाहे सत्ता का हो या दारू का हो, बर्बाद कर देता है, लाइव शो से बाहर करवा देता है। सोशल एक्टिविस्ट भरत लिखते हैं कि दीपू चौरसिया ने कल एक शादी अटेंड की और जमकर दारू पिया, नाचा। उसी शादी की ड्रेस में वो नशे में ऑन एयर आकर जनरल को जर्नलिस्ट और विपिन रावत को VK सिंह बोलता रहा। भारत में पत्रकारिता का फिलहाल यही स्तर है। वीडियो क्लिप शेयर करते हुए पत्रकार साक्षी जोशी लिखती हैं, निहायत ही शर्मनाक और निंदनीय। फर्जी राष्ट्रवादी हमारे सैनिकों का अपमान कर रहे हैं। चैनल को जवाबदेह होने की जरूरत है कि इन्होंने एक सेकंड के लिए भी ऐसा करने की हिम्मत कैसे की। ये एक समाचार स्टूडियो है, लानत है। पत्रकार विनोद कापड़ी लिखते हैं कि फर्जी राष्ट्रवाद का नशा जब नसों में दौड़ता है तो जुबान ऐसे ही लड़खड़ाती है और असली चेहरा बेनकाब होता है। टेलीविजन में लाइव ये हरकत तो अस्वीकार्य है ही, पर जब भारतीय सशस्त्र सेनाओं के 13 जाबाजों को श्रद्धांजलि दी जा रही हो तब ये हरकत अक्षम्य अपराध है। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।